प्यारे बच्चों, अभी तक आपने नक्शे के बारे में जो चीज़ें सुनी देखी उनको देखकर क्या आपके मन में यह सवाल उठता है कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ हुई होगी, कब हुई होगी और क्यों हुई होगी? ये वो ऐसे मूलभूत सवाल हैं जिस पर हम विद्यार्थियों को ज़रूर सोचना चाहिए। जो चीज़ें आज आप अपने सामने देखते हैं ये चीज़ें अपनी शुरुआत में ऐसी नहीं रही होंगी, ये तो आप अच्छी तरह समझते हैं। क्या ये बात नक्शों पर भी लागू होती है? बेशक ये बात नक्शों पर भी लागू होती है। आज जो नक्शे आप अपनी किताबों में या दूसरी जगहों पर देखते हैं ये अपनी शुरुआत में ऐसे नहीं थे। तो फिर कैसे थे और किन लोगों ने नक्शे बनाने शुरू किए और क्यों बनाने शुरू किए, इस पर भी ज़रा हम सोचें तो हमें बहुत सारी नई और मज़ेदार जानकारियाँ मिलेंगी। जो हमारे पास प्राप्त सामग्रियां हैं या प्रूफ हैं, प्रमाण हैं, उनसे ये पता चलता है कि आज से लगभग 3000 साल से भी पहले लोगों ने नक्शों पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन तब जो नक्शे बनते थे वो आज के नक्शों से कुछ मामलों में विशेष रूप से अलग थे। वो लोग जो नक्शे बनाते थे उसमें चीज़ों का, माने जो कुछ अपनी ज़मीन पर अपने आसपास देखते थे, उनका चित्रों के माध्यम से प्रदर्शन तो होता था, लेकिन उनके पास एक ख़ास चीज़ जो आज के नक्शे में है, पैमाना, वो नहीं था। माने तब के लोग पैमानों का उस तरह से उपयोग नहीं करते थे जैसा आज हम करते हैं। तो उस समय के नक्शों में, आज के नक्शों में जो मूलभूत फ़र्क था वो पैमानों का था। उन्होंने अपने आसपास के जगहों को, स्थानों को, नदी पहाड़ों को चित्रों में प्रदर्शित तो किया, लेकिन पैमाने वहाँ पर नहीं थे। ये एक ख़ास बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और जो प्रमाण हमको मिलते हैं वो ये हैं कि सबसे पहले जो मिस्र के लोग थे उन लोगों ने नक्शे बनाए थे। उनके नक्शों में नील नदी दिखाई पड़ती है और नील नदी के आसपास के खेत दिखाई पड़ते हैं। इन दो चीज़ों के आधार पर ये पता चलता है या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि नक्शों को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी। आज भी आप यदि अपने गाँव में देखें, अपने गांव के पटवारी के पास जाएं तो आप देखेंगे उसके पास भी गांव का नक्शा होता है, जिसमें गांव के अंदर जहां बस्तियां हैं वो तो होते ही होते हैं, लेकिन गांव के अंदर के तालाब, तालाब के बाहर के खेत और खेतों में ये भी लिखा होता है कि उसका मालिक कौन है, खेतों का स्वामी कौन है। माने नक्शों का एक उपयोग जो आज भी होता है वो ये है कि ज़मीन के स्वामित्व को प्रदर्शित करने के लिए हम नक्शों का इस्तेमाल करते हैं। आप यदि पटवारी के पास अपने घर का या अपने मकान का या अपने खेत का नक्शा देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप उस खेत के नक्शे के चारों तरफ किनका खेत है, किनका मकान है, वो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि इसके पूर्व में इनका मकान या इनका खेत, पश्चिम में इनका घर या इनका खेत, ये सारी जानकारियाँ होती है। तब भी मिस्र के लोगों ने जब पहली बार नक्शा बनाया तो वहाँ पर जो चीज़ें दिखाई पड़ती थी वो खेतों को लेकर के थी। तो नील नदी के आसपास के जो खेत थे उन खेतों को प्रदर्शित करने के लिए, उनके स्वामित्व को प्रदर्शित करने के लिए लोगों ने नक्शा बनाना शुरू किया, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। लेकिन उन नक्शों में पैमाना, जैसे हमने पहले कहा, पैमाने की बात नहीं थी, केवल ये पता चलता था कि ये किसका हिस्सा है, किसकी ज़मीन है, ये बातें पता चलती हैं। आज से लगभग 2500 साल पहले यानी 600 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोन शहर के लोगों ने जो नक्शा बनाया था उसका एक नमूना हमारे पास मौजूद है जो आज ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ है। ये मिट्टी की छोटी सी टिक्की है, एक टेबलेट है जिसको आप मिट्टी की प्लेट कह सकते हैं। उस प्लेट में वो चीज़ नक्शे के रूप में दिखाई पड़ती है। आप देखिए यहाँ पर एक आपको एक चित्र दिखाई पड़ रहा है। यदि आप इसको गौर से देखें तो आप पाएंगे कि मिट्टी पर बनी हुई कुछ खुदी हुई आकृतियाँ दिखाई पड़ रही हैं। ये पहला प्राप्त नक्शा है, ये पहला प्राप्त नक्शा है जो हमारे सामने मौजूद है और जिसे हम कहते हैं कि हाँ, ये जो नक्शा है उसमें लोगों ने उन चीज़ों को प्रदर्शित किया जिनको जानते थे। इस नक्शे पर यदि गौर से आप देखेंगे या इसके संबंध में जो सामग्रियाँ आप कहीं पर देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने बेबीलोन शहर को वहाँ पर प्रदर्शित किया था। बेबीलोन शहर में जो मुख्य नदियाँ थीं, जिसे आप टिग्रिस या यूफ्रेटस के नाम से जानते हैं, वो दो नदियाँ जो थीं यहाँ प्रदर्शित की गई थी। आसपास जो पहाड़ थे वो प्रदर्शित किए गए थे और इनके चारों तरफ समुद्र को दिखाया गया था। इससे ये पता चलता है कि उन लोगों ने तब उतनी ही दुनिया को देखा था, इसे ही उन्होंने संसार समझा था। और स्वाभाविक है कि वो लोग जितना देख पाए उसको ही उन्होंने नक्शे पर प्रदर्शित किया। तो ये पहला ज्ञात नक्शा है जैसे हम मानचित्र के रूप में पाते हैं, इंसानों द्वारा निर्मित।
अब इनको और जब बारीकी से आप देखेंगे तो आपके सामने जो चित्र दिखाई पड़ रहा है उसमें जो काली रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं वो काली रेखाएं बाद में बनाई गई हैं। इसका एक और चित्र आप देख पाएंगे, उस चित्र में आप देखिएगा कि वो मिट्टी पर खुदी हुई आकृति दिखाई पड़ती है। इसमें आप गौर से देखिए, इसमें आपको दिख रहा है इसी आकृति में जो गड्ढे बने हुए हैं, जो खुदी हुई आकृति है उसमें काले रंग से दिखा देने पर वो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इसमें वो सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं जिसका जिक्र अभी मैंने आपसे किया। तो इस नक्शे के आधार पर ये पता चलता है कि तब की दुनिया कैसी थी और लोग अपनी देखी हुई दुनिया को किस तरह से बनाते थे, कैसे प्रदर्शित करते थे। एक चीज़ और जो आपसे मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो नक्शा उन्होंने बनाया, तब इंसान शहरों में जो रहते थे, शहरों में रहने के पहले घुमक्कड़ जीवन भी उनका व्यतीत होता था। वो आसपास घूमते थे और देखते थे कि दुनिया कैसी है। इससे जो ज्ञान अर्जित उन्होंने किया, उन्हीं को अपनी जानकारियों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने इस तरह की चीज़ें निर्मित की। इसके आगे कुछ और चीज़ें हैं, देश विदेश में दूसरे लोगों ने कैसे नक्शे को बनाया, वो कैसे हुआ, हम आगे देखते हैं।